तो सीरीज की शुरुआत में हम एक होटल का सीन देखते हैं जहां पर काफ़ी सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उस जगह पर स्लेव्स खरीदने का काम हो रहा होता है। तभी वहां पर एक ब्यूटीफुल सिल्वर बालों वाली लड़की को लाया जाता है जिसका नाम डिया होता है, और वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो उसी लड़की को खरीदने आए होते हैं। तभी डिया अपने पास से एक की निकालती है और उसकी मदद से खुद को आज़ाद कर लेती है और अपने मैजिक से एक गन को समन करती है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने लगती है, जिस पर वो लोग मेड से मदद मांगते हैं, पर वो मेड भी उस लड़की की साथी होती है और वो वहाँ मौजूद कुछ गार्ड्स को मार देती है। तभी हम डिया को देखते हैं जिससे एक गार्ड फाइट करने लगता है जो थोड़ा पावरफुल होता है और वो भी मैजिक यूज कर सकता था, जिस पर डिया की साथी टोरा उसकी मदद करने वहाँ पर आ जाती है। इसी दौरान हम माहा और लूसी को देखते हैं जो डिया के साथी होते हैं और वो वहाँ से भाग रहे लोगों को स्नाइप करके जान से मार देते हैं, जिसके बाद हम ह्यूमन वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक असैसिन अपनी असिस्टेंट के साथ एक मिशन को अंजाम दे रहा होता है और मिशन पूरा करके वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि आखिर उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारा क्यों नहीं, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि वो बस उतना ही काम करता है जितना उसे ऑर्डर दिया गया हो। तभी वो आदमी गौर करता है कि उनके दुश्मनों ने उनकी पोजीशन ढूंढ ली है, जिस पर वो अपनी असिस्टेंट के साथ तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है, पर उनके एनिमीज उनका पीछा करने लगते हैं, जिस पर वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन पर फायरिंग करते हैं, जिस पर वो एनिमीज भी उन पर बैकफायर करने लगते हैं जिससे उनकी व्हीकल में ब्लास्ट हो जाता है और एनिमीज को लगता है कि वो लोग मारे गए, लेकिन ये असल में उस आदमी का प्लान होता है ताकि वो उनको चकमा दे सके, और वो पहले ही गाड़ी से कूद चुके थे। जिसके बाद वो उस जगह पर थोड़ा आराम करते हैं जहाँ पर वो आदमी अपनी असिस्टेंट को बताता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बचपन से असैसिन की ट्रेनिंग दी है और वो पूरे लाइफ टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, और वो उस लड़की को भी अपने साथ इस मिशन पर इसलिए लाया है क्योंकि उसे उसको ट्रेन करने का ऑर्डर मिला था क्योंकि वो लड़की नौसिखिया होती है। यह सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो कोई नौसिखिया नहीं है, जिस पर वो आदमी अपनी असिस्टेंट पर गन पॉइंट कर देता है जो गन उसने उसी से चुराया था, और कभी भी किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करने से मना करता है चाहे वो उसका पार्टनर ही क्यों ना हो, जिसके बाद वो उसे उसकी गन वापस दे देता है, जिस पर उसकी असिस्टेंट उस पर ही वो गन पॉइंट कर देती है और शूट करने की धमकी देती है, पर वो आदमी उसे बताता है कि उसने पहले ही उस गन की सारी बुलेट निकाल ली है, जिसके बाद वो आराम करने के बाद वापस अपने बेस पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको उनके लास्ट मिशन पर भेजने वाली होती है, जिसके लिए उन्होंने उनके लिए कुछ प्लेन के टिकट दिए होते हैं और टेक ऑफ करने का टाइम दिया होता है, जिसके बाद वो असैसिन अपनी असिस्टेंट के साथ उस प्लेन में बैठकर अगले मिशन पर निकल जाता है। तभी न्यूज़ पर खबर आती है कि जिस प्लेन से वो ट्रैवल कर रहे हैं वो प्लेन हाईजैक हो गया है, और वो असैसिन समझ जाता है कि असल में यह प्लान उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे मारने के लिए बनाया है, जिस पर वो उस प्लेन के पायलट रूम में जाता है जहाँ पर सभी लोग मरे हुए होते हैं। तभी उसकी नज़र सामने मौजूद एक फाइटर जेट पर जाती है जो उन पर अटैक करके उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस असैसिन की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो असैसिन एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर उसे एक गॉडेस मिलती है जो उसे कहती है कि वो उसको दोबारा से एक फैंटसी वर्ल्ड में रिकार्नेट कर देगी, वो भी उसकी सारी मेमोरीज के साथ, लेकिन बदले में उसको उसका एक काम करना होगा, जिसके बाद वो गॉडेस उसे बताती है कि जब वो उस वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाएगा तब उसे 18 साल बाद एक हीरो को मारना होगा जो 26 साल का होगा, क्योंकि वो हीरो डीमन किंग को मारने के बाद पागल हो जाएगा और उस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए उसे उस हीरो के ऐसा करने से पहले ही उसे मारना होगा, जिसके लिए वो गॉडेस उस आदमी को उसकी पसंद की स्किल चुनने का मौका देती है जिसकी मदद से वो उस हीरो को मार सकता था, लेकिन उस हीरो के पास नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा स्किल्स होंगी, जिस पर वो असैसिन ऐसी स्किल चुनता है जो उसे उस हीरो को मारने में मदद कर सके, जिसके बाद वो असैसिन दूसरे वर्ल्ड में एंटर करता है जहाँ पर उसका जन्म वैनगार्ड फैमिली में होता है जो उसका नाम लक रखते हैं, जिसके बाद हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लक एक फॉरेस्ट में रैबिट हंट करके ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने लिए खाना बनाता है।
ताकि उसकी बॉडी को ग्रो होने के लिए सही न्यूट्रिशन मिल सके। जिसके बाद लक के डैड उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहां पर वो उसकी बॉडी को एग्जामिन करते हैं, और वहां पर हमें ये पता चलता है कि लक की वैनगार्ड फैमिली अपनी मेडिकल नॉलेज के लिए बहुत फेमस होती है, लेकिन वो लोग इसके साथ साथ सीक्रेट में एसैसिनेशन का भी काम करते हैं और करप्ट नोबलेस को सजा देते हैं। जिसके बाद लक के डैड लक को एक सर्जरी के बारे में बताते हैं जिसमें वो लक की आंखों को एक ऑल सिंग आई के साथ ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं, जिससे लक की देखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती। और सर्जरी के कुछ हफ्ते बाद लक की माँ उसका ख्याल रखती है, जिसके बाद जब लक की आंखें ठीक हो जाती है तब वो देखता है कि वो बहुत दूर की चीज़ों को भी देख पा रहा है। जिसके बाद लक की मम उसे एक लड़की की ड्रेस पहना देती है जो उसे अपने एक टीचर के स्वागत में पहनना था, जो लक को मैजिक सिखाने वाली थी। जिसके बाद लक उस टीचर से मिलने जाता है जो एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम डिया होता है, पर डिया देखती है कि लक काफ़ी छोटा है और उसे मैजिक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। लेकिन लक के डैड डिया से कहते हैं कि लक बहुत ही स्पेशल है, जिस पर डिया लक को एक हाई लेवल मैजिक परफॉर्म करके दिखाती है और उसे एक फॉर्चून स्टोन देती है जिससे वो खुद के मैजिक लेवल को जान सके, और लक को उस स्टोन में उसका मैनर डालने को कहती है। और जब लक ऐसा करता है तब वो स्टोन चमकने लगता है, लेकिन तभी लक का मैना ओवरफ्लो होने लगता है और वो स्टोन लक के मैना से ओवरलोड हो जाता है और एक्सप्लोड होने वाला होता है, जिस पर डिया लक को उस स्टोन को दूर फेंकने को कहती है, जिस पर लक ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो स्टोन हवा में एक्सप्लोड हो जाता है जिससे एक पावरफुल शॉक वेव जनरेट होती है और लक के कैसल को थोड़ा डैमेज कर देती है। यह साउंड सुनकर लक के डैड और मम वहाँ आ जाते हैं, जिस पर डिया लक को बचाने के लिए उस ब्लेम को अपने ऊपर लेने लगती है। लेकिन जब लक के डैड और मम को पता चलता है कि वो एक्सप्लोजन लक ने किया था तब वो लक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद डिया लक की मैना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है जहां पर वो लक को उसके मैना को फील करना सिखाती है। और जब लक ऐसा करता है तब उसके दिमाग में एक स्पेल जनरेट होता है जिस पर डिया उसे उस स्पेल को बोलने को कहती है, पर लक ऐसा नहीं कर पाता, जिस पर डिया उसे एक मैजिक करके दिखाती है और लक भी डिया को देखकर उसे कॉपी कर लेता है, लेकिन वो ढंग से उस स्पेल को नहीं बोल पाता और वो मैजिक ढंग से नहीं हो पाता, जिस पर लक काफ़ी प्रैक्टिस करता है और उस मैजिक को करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो डिया से उसे और मैजिक सिखाने को कहता है, जिस पर डिया उसे मना करती है क्योंकि वो सिर्फ वही मैजिक यूज़ कर सकता था जो उसने जनरेट किया हो। तभी लक डिया को उसे एक मैजिक लिखकर देने को कहता है, और जब लक उस मैजिक को ट्राई करता है तब वो उस मैजिक को करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद लक गौर करता है कि दोनों मैजिक में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, जिसके बाद वो डिया के साथ उन मैजिक्स पर रिसर्च करना शुरू करता है और गोल्ड जनरेट करने के लिए एक मैजिक लिखता है, पर जब डिया उसे कास्ट करती है तब वो बेहोश हो जाती है, जिस पर लक भी उस मैजिक को ट्राई करता है पर वो सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है, जिसके बाद लक एक गन को समन करने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब हो जाता है, और डिया भी लक से वो मैजिक सीख लेती है। जिसके बाद लक एक कैनन बनाता है और उससे एक स्टोन पर फायर करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब डिया को वापस उसके किंगडम जाना होता है, जिस पर वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप की निशानी के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जिसके बाद लक के डैड लक को एक प्रिजन में ले जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें कैदी को मारना होता है, जिस पर लक के डैड लक को एक काम करने को कहते हैं जहाँ पर वो औरत लक से उसको न मारने की भीख मांग रही होती है, लेकिन लक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ काट देता है, जिस पर वो औरत लक को गालियां देने लगती है और लक उसे जान से मार देता है। इसी दौरान हम एक जगह पर एक लड़की को देखते हैं जिसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, पर इसी दौरान उसे कुछ वुल्फ घेर लेते हैं। जिसके बाद हम लक को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर उसे उनका किंगडम घुमा रही होती है, जहाँ पर लक कुछ पावरफुल मैजिक यूजर को ढूंढ रहा होता है जो उसकी उस हीरो को मारने में मदद कर सकते थे, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। जिसके बाद लक हंटिंग करने के लिए बाहर जाता है जहां पर वो एक वुल्फ के झुंड का पीछा कर रहा होता है,
तभी वो देखता है कि कुछ वुल्फ ने एक लड़की को घेर लिया है, जिस पर लक उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और उन सभी वुल्फ को एक एक करके जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को थोड़ा खाना देता है और उस लड़की का नाम टोरा होता है, जिस पर वो टोरा से कहता है कि वो उसे रहने के लिए जगह दे सकता है पर बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा, जिस पर वो लड़की तैयार हो जाती है और लक के घर में मेड के तौर पर काम करने लगती है, जिसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। तभी हम लक को देखते हैं जो टोरा को एक कमरे में ले जाता है और उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है और उसे एसेसिनेशन के लिए ट्रेन करता है, पर वो गौर करता है कि टोरा सिर्फ स्पेयर यूज़ करने में माहिर है और वो नाइफ का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जो एसेसिन के लिए काफ़ी ख़राब बात होती है क्योंकि वो बड़े हथियार छुपा नहीं सकते थे, जिस पर लक टोरा के लिए एक स्पेशल स्पेयर बनाता है जिससे टोरा की एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद लक के फादर लक को एक फुल एसेसिन बनने के लास्ट टेस्ट के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर लक को उसके फादर को हराना होता है, जिसके बाद लक का टेस्ट एक फॉरेस्ट में स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर लक अपने डैड पर अटैक करता है, पर उसके डैड उसके पैर को इंजर्ड कर देते हैं, जिस पर लक पीछे हटकर अपने आप को हील करता है और अपने डैड को हराने का तरीका सोचने लगता है। तभी उससे एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है जिससे उसकी तरफ एक ब्लेड बहुत स्पीड में आता है और लक बड़ी मुश्किल से ही उस ब्लेड को डॉज कर पाता है, जिसके बाद लक के डैड उस पर अपनी नाइफ से कई अटैक करते हैं जिन्हें लक डॉज कर लेता है, जिस पर उसके डैड वापस अंधेरे में छिप जाते हैं। तभी लक पर दोनों साइड से नाइफ से अटैक होता है, लेकिन लक इस बार अपने डैड के फेक अटैक को समझ जाता है और उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लक के डैड उसे एक असैसिन का टाइटल दे देते हैं और उसे अपने साथ कई असैसिनेशन के मिशन पर ले जाते हैं, जहां पर वो डिफरेंट मेथड का यूज़ करके करप्ट नोबल्स को मारते हैं, जिसके बाद लक के डैड लक को एक मर्चेंट बनने को कहते हैं ताकि वो लोगों के बीच अपनी पहचान बना सके और उसकी पहुंच कई नोबल्स तक हो सके, जिसके लिए उसके डैड उसे एक फेक नाम देते हैं और 2 साल तक मर्चेंट बनने के लिए ट्रेन करते हैं, जिसके बाद लक के डैड लक को उनकी फैमिली के सक्सेसर बनने की खुशी में एक पार्टी देते हैं और अपने ब्रांच फैमिली के मेम्बर को वहाँ पर इन्वाइट करते हैं, लेकिन उन ब्रांच फैमिलीज़ के एक लड़के को लक की कैपेबिलिटी पर यकीन नहीं होता और वो लक को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, जिस पर लक तैयार हो जाता है और एक झटके में उस लड़के को हरा देता है, लेकिन तब भी वो लड़का हार नहीं मानता और लक पर पलटवार करता है, जिस पर लक उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद लक पार्टी के बाद उस लड़के से मिलता है और उसे कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने डैड तक को बैटल में हरा रखा है, और साथ ही उस लड़के से कहता है कि उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, जिसके बाद लक उस लड़के को अपना दोस्त बना लेता है और दोस्ती के तौर पर उस लड़के को एक शॉट देता है और कहता है कि जब उसे उसकी मदद चाहिए होगी तब उसे ज़रूर आना होगा और वो उस पर भरोसा कर रहा है, जिसके बाद लक टोरा के साथ एक नई सिटी की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं उसे कल ही अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको वो पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।